वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज मैं आया हूँ अपने गांव, और गांव आने के बाद मैं अपने छोटे भाई राकेश के साथ, ये मेरा छोटा भाई राकेश है, और यहाँ पे हम लोग खेत में आए हैं, मटर में पानी डाल रहे हैं और पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है यहाँ पे। राकेश बोल रहा है कि मैं शक नहीं रखूँ, तो दिखाता हूँ आपको राकेश को। तो इधर मेरा छोटा भाई राकेश है, इसका हालत ख़राब हो रहा है, पानी दे देते मटर को। अभी भी मटर लगाए हैं हम लोग, और मैं भी हेल्प किया हूँ अभी थोड़ा नाली बनाने में राकेश का। राकेश तेरा पसीना निकल जा रहा है यार, बहुत तेज आ रहा है ना पानी। इधर देख ना गाइस, इसके शक्ल पे आप देख सकते हैं कितना पसीना निकल रहा है, और पानी बहुत स्पीड से आ रहा है। तो मैं अभी आपसे बाद में बात करूंगा, पहले यहाँ पे राकेश का थोड़ा हेल्प करता हूँ। तो मैंने और राकेश ने मिल करके पूरे मटर में पानी दे दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। अब यहाँ से, यहाँ एक बड़ा सा कुआं है, मैं आपको दिखाता हूँ उस कुएं से। इसी कुएं से हम लोग मटर में पानी अभी दे रहे थे। तो ये वो बड़ा सा कुआं है, देख रहे हैं कितना बड़ा सा है। तो राकेश यहाँ भी पंप निकालेगा और हम लोग पंप लेके चलेंगे घर। इसी पंप की मदद से अभी पानी दे रहे थे राकेश और मैं। और कुआं तो आप लोग देखिए, बहुत बड़ा कुआं है ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। और ये ओम प्रकाश भाई का घर है। तो यहाँ पे मेरा भाई छोटू टमाटर भी अभी लगाया है यहाँ पे नीचे में, बना रहा है और यहाँ पे पानी दे रहा है। वीडियो बना रहे तू? कैसे छोटू अभी लगा रहा है टमाटर? ब्रो लगा लगा तो लगाते हैं, सामे को लगाते हैं ना, ठीक बोल। हाँ धूप में लगाएंगे तो ये जो छोटा छोटा पौधा है मर जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी घर में बैठा हुआ हूँ, और आज हमारे यहाँ एकादशी का त्यौहार है। तो आप सबों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं एकादशी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ एकादशी किस तरीके से मनाया जाता है। तो बेसिकली जो एकादशी का त्यौहार है वो लक्ष्मी पूजा है ना बाबा? हाँ। लक्ष्मी का त्यौहार होता है। तो हमारे यहाँ जो पशु हैं, गाय बैल हैं, इन सबका पूजा किया जाता है, और इन सबको जो गाय और बैलों के मदद से जो खेती किया जाता है, अन्न उगाया जाता है। बेसिकली हमारे यहाँ धान उगाते हैं, तो धान से एक पीठा करके, एक क्या बोला जाए, क्या बोले वो पीठा करके एक पीठा बनता है, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में। तो फिर वो पीठा जो बनता है, उस पीठा को हम लोग सबसे पहले अपने पशुओं को खिलाते हैं, उसके बाद जो वो नया अन्न होता है उसको हम लोग खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको आगे खा सकते हैं। तो अभी प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप, प्रसाद के रूप में पहले उनको गाय और बैलों को खिलाते हैं। पहले तो पूजा, हाँ खिला ले, हाँ एक बात तो जान ले कि फिर वहाँ जहाँ देवस्थान हमरन का है वहाँ चढ़ा पीठा। अच्छा। हाँ वो पीठा चढ़ाए के बाद जो भी देना लेना रहते वहाँ पूजा धाजा कर, पूजा धाजा करके बाहर निकल, बाहर निकले के बाद तो जान ले कि कुछ देर के बाद हम लोग खाएंगे बैला बरदा ओलिया खवाए के। अच्छा। तो गाइस आप लोग बैला वाला खवा लेब ना, हाँ खवाए के बाद जाइए पूजा करेंगे। अच्छा। तो गाइस आप लोगों ने मेरे दादाजी के द्वारा सुन लिया थोड़ा सा, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी दादी कुछ अलग तरीके से बारा बना रही है। तो आपको लेके चलता हूँ सीधा किचन रूम में। तो गाइस यहाँ पे मेरी नानी कुछ अलग तरीके से बारा बना रही है, यहाँ पे स्टीम से उसको पका रही है, और मेरी दादी से पूछता हूँ इसका क्या नाम है। भाई भाई कहाँ बना थस? का नाम है कर? फफोड़ी बारा। अच्छा ठीक है। तो गाइस इसको भाप से मेरी दादी पका रही है, इसलिए इसका नाम है फफोड़ी बारा। भाप से इसको स्टीम से पका रही है, फिर इसको अभी पकाने के बाद ऐसा हो जाता है, फिर इसको ये है, फिर इसको अभी फ्राई करेगी, तो बारा के फॉर्म में ये बन के तैयार हो जाएगा।
गाइस यहाँ मेरी बहन अन्नु यहाँ गाय का खुर का निशान बना रही है। अन्नु इधर देखो, ये मेरी बहन है अन्नु। हमने पशुओं को खाना खिला दिया और हम सब भी खाना खा लिए। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं अपनी दादी के पास बैठा था और मेरी दादी यहाँ पे मूँगफली तोड़ रही है और दादी से कुछ बातें कर रहा था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहेगा। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेरे पिछले ब्लॉग पहुँच जाइएगा।